लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना लाने वाली है। इस योजना के तहत 3 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी। इसके बाद सेना की नौकरी जारी रखने या नहीं रखने का विकल्प सेना के पास होगा। कोविड संकट के दौरान सेना में भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी। लगातार भर्ती फिर से शुरू करने की मांग हो रही थी। अभी तीनों सेनाओं में करीब 125,000 पद खाली पड़े हैं। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत की सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। ये अग्निपथ प्रवेश योजना है, जिसमें मोदी सरकार ने सेना में भर्ती की योजना को लागू करने का फैसला किया है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। और अग्निपथ योजना में भर्ती सैनिक अग्निवीर कहे जाएंगे, यानी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा एक तरीके से। और इसमें अग्निपथ योजना में सेना में नौकरी महज 3 साल के लिए होगी। इसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। सेना चाहे तो अग्निवीर की नौकरी 3 साल के बाद जारी रख सकती है, यानी 3 साल बाद रिव्यू होगा और उसके बाद अगर चाहे सेना तो ये एक्सटेंशन दे सकती है, बढ़ा सकती है। कोरोना काल में ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। भर्ती ठप होने से जवानों की संख्या में भी कमी आई थी। जल थल और वायु सेना में करीब 125,000 पद इस वक्त खाली पड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भारत की सशस्त्र सेनाओं की गिनती होती है। पिछले 2 साल से अग्निपथ योजना पर काम चल रहा था।